इसका मतलब न्यायालय का रुख भी है कि कार्य चलता रहे, तारीख पर तारीख बढ़ती रहे, न्यायालय की मिली भगत है, लेकिन मेरा दायित्व है कि भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए, भूतकाल को देखते हुए जो कहना चाहिए वो कहिए। निर्भीकता पूर्वक मैं बोलता हूँ, मेरी वाणी पर लोह भय कोरी भावुकता अविवेक का कोई प्रभाव नहीं है। स्पष्ट है कि तीर्थस्थली को, तपस्थली को भोग भूमि बना देना, सुरा सुंदरी का केंद्र बना देना, अर्थात तीर्थस्थली अस्तित्व आदर्श को लुप्त कर देना सर्वथा अनुचित है, संविधान की धारा में भी अत्यंत विरुद्ध है। सुब्रह्मण्य स्वामी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा किसी भी शासन तंत्र को, मंदिरों को तोड़ने का अधिकार संविधान की सीमा में प्राप्त नहीं है। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन शौचालय कहाँ बनना चाहिए इसका विवेक तो होना चाहिए ना। विकास के हम पक्षधर हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर तीर्थ का लोप हो जाए, अस्तित्व आदर्श का विलोप हो जाए, उचित नहीं है। और एक बात आप हमेशा कहते हैं गुरु जी, जब आप पूरी में नहीं रहते तभी ये काम वो लोग ज्यादा करते हैं। इसका मतलब वो डरे हुए हैं। जब मैं उड़ीसा में नहीं रहता, पूरी में नहीं रहता, तब ये काम करते हैं। इसका अर्थ है कि उनको डर तो है, भय तो है। चिंता के विषय आप आज पूरी छोड़ रहे हैं और ये काम चल रहा है, चिंता के विषय वही आप अभी पूरी में ऐसा है ना। जनता अगर मस्त मोहल्ले होकर बैठी रहे, मक्खन मिश्री खाती रहे, सोचते कि सब और युद्ध करना या बोलना शंकराचार्य का काम ही है, तो जनमत को अपने अनुकूल समझ के शासन तो उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन मेरा कहना है, मेरी भावना है कि भविष्य को देख करके भी बोलना चाहिए। वाणी जब व्यक्ति ठोकर खाता है तब तो आखिर उसको याद आती है ना बात। किसी ने कहा सूरदास जी सामने गड्ढा है, रहने दो, हमको गिरने दो, तुम्हारा क्या। गुरुजी आज भारतीय सुनो, कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो सत्ता लोलुपता अदूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। और राजनीति की परिभाषा इन लोगों को मालूम नहीं है, राजनेता ये कैसे। कोई भी राजनेता अगर हमारी वाणी को न सुने हो, पहले राजनीति की परिभाषा बता दे, विकास की परिभाषा बता दे, तो उसको क्रियान्वित करे। जब परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है तो राजनीति कैसी, राजनेता कैसे। हमने राजनीति की परिभाषा दी है वेदादि शास्त्र सम्मत, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, यही विकास की परिभाषा है, ये राजनीति की परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र विकास के देखें, यह परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण है। अगर राजनीति की परिभाषा भी मालूम नहीं है तो उसके क्रियान्वयन की विधा कहाँ से मालूम है। तो राजनेता भी कहने योग्य नहीं है व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो, चाहे गृह मंत्री के पद पर, चाहे मुख्यमंत्री के पद पर, चाहे राष्ट्रपति के पद पर बैठा हो, चाहे राज्यपाल के पद पर बैठा हो, जिसको राजनीति की परिभाषा का ये ज्ञान नहीं है वो राजनीति के नाम पर क्या है। सर इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, सब लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है। पहले आप कह रहे हैं कि जनता विरोध नहीं कर रही, आप फिर सबको विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लोग तो विरोध कर रहे हैं जो जिसको। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी कौन है उड़ीसा में बताइए, जो भाजपा तो मिल के चल रही है ना, फिर और कौन से, कांग्रेस है। पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए जो चुनौती देने में समर्थ हो। मत करे, लेकिन मुझे जो कहना चाहिए मैंने कहा। भविष्य में वो सोचेंगे कि शंकराचार्य ने ठीक कहा था। उदाहरण मैं देता हूँ, मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि लगभग 53 किलोमीटर दूर पुरी से हवाई अड्डा है। पुरी के पास हवाई अड्डा बनने की उपयोगिता नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जनमत हवाई अड्डा के अनुकूल है, क्योंकि वो समझेंगे विकास होगा, नई कॉलोनी होगी, पंडे पुजारी सब सोचेंगे, आमदनी, दुकानदार वाले, दुकान वाले भी समझेंगे आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरठ उत्तर प्रदेश में एक शहर है, एक मोहल्ला था, अगर हिंदुओं का कहीं संघर्ष हो जाए तो हिंदू जीवित भग सकता था उस मोहल्ले से। बिहार के हाथ करघे वाले मुसलमानों को लाकर बसा दिया गया। आज मेरठ की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है, कदाचित कोई दंगा हो जाए, एक हिंदू भी जीवित नहीं भग सकता। ऐसे काशी की स्थिति भी है, और जगह योजनाबद्ध सब काम होता है। हवाई अड्डा बनने
तभी जो भविष्य में घातक परिणाम होंगे, हमने उसको सोच के कहा हमारा काम है सावधान करना, कोई माने या ना माने हमारा हृदय संतुष्ट रहता है, हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। जनता जो है उसको तो वेदादि शास्त्र में लिखा इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती, मन की गति और वेदादि शास्त्रों की गति तीनों कालों में होती है। जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, इंद्रियात्मवादी हैं चेतना विशेष शरीर को आत्मा मानते हैं, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। हम लोगों की दृष्टि भूत भविष्य वर्तमान तीनों तक फैली हुई है, इसलिए हम जो बोलना चाहिए बोलते हैं, हमारा पद सुरक्षित, हमारा हृदय हमको कोस नहीं रहा। सबसे ऊँची बात है कि हमारा हृदय कोस नहीं रहा, हमारा जो दायित्व हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। उदाहरण देते हैं निगम बोध का, दिल्ली का माल स्वामी जी आप सुनो, दिल्ली का मैं यमुना जी के तट पर एक निगम बोध है, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को वेद का स्फुरन जहाँ हुआ वो निगम बोध है। अब अगर आप दिल्ली की यात्रा करते हैं, कहेंगे कि तीर्थ यात्रा में गया था, कोई पूछे कि कहाँ गए थे, दिल्ली, हर जगह दिल्ली कोई तीर्थ है, लेकिन वस्तु स्थिति है कि निगम बोध वहाँ पर। इसी प्रकार से अगर पुरी को या किसी स्थान को, तीर्थ स्थान को आप दिल्ली का रूप दे देते हैं, तीर्थ का तो विलोप हो ही जाएगा। जैसे बहुत ऊंचा तीर्थ है दिल्ली में निगम बोध, ब्रह्मा जी को भी जहाँ निगम का वेद का स्फुरन हुआ था, लेकिन आज अगर कोई तीर्थ यात्रा के नाम पर दिल्ली जाता है तो हंसी का पात्र होगा, अरे दिल्ली गए थे तीर्थ कहाँ है दिल्ली। उसी प्रकार अगर पुरी को भी बना देंगे, भुवनेश्वर भी तो शिव जी के नाम पर ही है ना, अगर आप भुवनेश्वर को या हम कहते हैं पुरी को इसी प्रकार बना देंगे महानगर, महानगर की भी आता है सोच लीजिए थोड़ा, महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं और प्रचुर आकाश नहीं, महानगर में रहने पर शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, संयुक्त परिवार नहीं, संयुक्त परिवार के टूट जाने पर मनुष्य का जीवन केवल भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन के रूप में परिणत हो जाता है। गुरु जी उस दिन जो मीटिंग हुआ था उसमें यहाँ के सरकार के जो पार्टी है बीजू जनता दल उसके भी पक्ष गए थे, लेनिन महाजी भी गए थे, सभी पार्टी गए और आपसे पक्ष सुने, तो आपके मंतव्य के बाद अगर वो सुन नहीं रहे तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप जो है मीडिया कर्मी बाद में है, पहले उड़ीसा के निवासी है, आप अगर तटस्थ होकर देखेंगे, सुनिए हिंदुओं की स्थिति यह है, कोई प्रशंसक बन जाता है, कोई निंदक बन जाता है, कोई समीक्षक बन जाता है, कोई तटस्थ बन जाता है, कोई कोई सहयोगी बनता है। मुझे सहयोगी कौन प्राप्त है कौन इसकी चिंता नहीं, क्योंकि भगवान को जिसके द्वारा जो काम कराना होता है कर ही लेते हैं। देखिएगा भविष्य में हम तो कहते हैं मानसरोवर तक भारत में मिलेगा, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारी गति 14 भुवन में, केवल हम यहाँ जीतते हैं ये नहीं, हमारी गति 14 भुवन में है। हम जो कुछ बोलते हैं बहुत सोच समझ के सब बोलते हैं, अंत में शासन तंत्र को मानना पड़ेगा कि जो मंदिरों को तुड़वा दिया गया, मठों को ध्वस्त करवा दिया गया, असुरासुर जी का केंद्र पुरी को बना दिया गया, क्या उचित है? मानवाधिकार की सीमा में किसी शासन तंत्र को ये प्राप्त है क्या? मैं एक उदाहरण देता हूँ, कल ही मेरे सामने समस्या, ये जो मंदिर के पास जमीन तोड़ करके मठों को एक बाग बनाया गया, उसमें पाया गया कि सुरासुर जी का केंद्र बाग बन गया है, समुद्र का तट तो सुरासुर जी का केंद्र ही, तो बात क्या हुई फिर? अगर सुरासुर जी का केंद्र ही पुरी को बनाना है तो तीर्थ का तो लोप होगा, तपस्थली को भोग स्थली बना देना उचित नहीं। और मैं एक बात कहता हूँ, सेकुलर जो शासन तंत्र होता है तपोभूमि को पर्यटन का केंद्र बना देना, सुरासुर जी का केंद्र बना देना, इससे अधिक उसकी पहुँच नहीं होती।